नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ न्यूज। मैं नीम शर्मा गुरुजी, पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। अगर किसी जिले में कुछ हो गया है तो उसके रिएक्शन में हम कुछ करने लगे तो कानून अपने हाथ में लेने की जो भी कोशिश करेगा उससे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, और वो हमने बता दिया किस लेवल तक की जा सकती है। तो अपने लोगों को समझा के रखिए, जो लड़के हैं, जो जोशीले युवा हैं, वो जोश कहीं और लगाए बजाय कि कानून व्यवस्था या कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। उसके लिए हम लोग बैठे हैं और आप जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आप मौजूद लोग हैं इस कस्बे के, जिम्मेदार, समझदार, संभ्रांत नागरिक हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि पहले आप समझा बुझा के स्थिति अपनी नियंत्रित रखें, अपने लोगों को समझा के कंट्रोल में रखें। आवश्यकता पड़े तो हमारा सहयोग ले लें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन स्वयं कोई निर्णय कि हम कानून अपने हाथ में लेके और व्यवस्था को डिस्टर्ब करें तो वो कतई नहीं चलेगा, ये आप लोग जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी उद्देश्य इतना ही है कि एक तो ये बताना था, दूसरा हमारा त्यौहार चल रहा है, सभी का है, और कस्बे के सभी लोग मिलजुल के मनाते ही रहे होंगे। पिछले सारे त्यौहार जनवरी से लेके अब तक डिफरेंट टाइप के, चाहे किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, वो कायदे से हुए हैं और आगे भी बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से ये त्यौहार निपटेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है, और आप लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। बताइए, करेंगे सहयोग? धन्यवाद जी, शुक्रिया, जय हिंद। आप लोगों में कोई कुछ कहना चाह रहे हो? रामलीला कमेटी वाले कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। कोई समस्या हो या कोई आप लोग कोई समस्या या सुझाव हो हमारे लायक तो भाई बताइए, हम बिल्कुल पुलिस से कोई आवश्यकता हो, दोनों वर्गों में अच्छा वातावरण है, समस्या नहीं। अभी जो पीछे रामरात हुई थी तो उसमें फीडबैक दे दीजिए कि मतलब किस टाइप से रही है, पुलिस का सहयोग रहा है नहीं रहा है, कुछ कमियां रही हो या आगे कुछ सुझाव हो उस तरह का, ये बताइए। उसका सहयोग हमें रहा है, कुल मिलाकर हम दोनों वर्गों को समस्या नहीं आई, जिसकी वजह से समस्या को उठाश हुई बिहार के लोगों को। आगे भी ऐसा ही वातावरण रहेगा, हम सब मिलकर के सब लोग सर, मेरी एक जानकारी में आया है, सभी लोगों के साथ में शाम से भी मैं उसको साझा करना चाहता हूँ कि जैसे ही कल ये थोड़ा सा फेसबुक वाला कार्यक्रम हुआ था, कुछ इतने अच्छे लोग थे उनमें सर, कि उन्होंने जाके जहाँ जहाँ भी जानकारी हुई है खुद जाके डिलीट कराया है वो सब चीज़ें सर, तनाव वाली चीज़ें की है। नहीं, अच्छी बात है। अनावश्यक भड़काने वाली या गुमराह करने वाली या भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें मत डालिए, वरना सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग जनपद स्तर पे, थाना स्तर, इवन अब थाना स्तर और सीओ। ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए लखनऊ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।